वहीं खबर नैनीताल से है, जहां राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी एक दिवसीय दौरे पर स्व चमनलाल बजाज की स्मृति में भारतीय सैनिक स्कूल में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में शामिल हुई। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा में स्कूल के सभागार में उत्तराखंड में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों की झलकियां पेश की, बच्चों को बचाने का भी संदेश। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने लेक सिटी वेलफेयर के सहयोग से भारतीय शहीद सैनिक स्कूल में 50 छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस वितरित किए। बता दें कि उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन की शुरुआत की है, तब से इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वहीं आज देश की बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें लैंगिक भेदभाव बेटियों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा, तभी हम संविधान की समावेशी भावना को पूरा कर पाएंगे। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। देखिए, बेटियों को पढ़ाने में, बेटियों को बचाने में जिस तरह से ये मिशन प्रारंभ हुआ और मैं ये कहूंगी पूरा देश सक्रिय हुआ, उसका परिणाम भी आया। हरियाणा का रिजल्ट आपके सामने, और निरंतर प्रगति हो रही है। बेटियों एक अदम्य साहस, अदम्य उत्साह आ ही रहा है, पर हमारे समाज की भी निगाहों में आ रहा है कि अपने इस संविधान की समावेशी भावना तभी पूर्ण कर पाएंगे जब इसके लिंग भेद को दूर करके हम अपनी बेटियों को भी निरंतर आगे बढ़ाएं। तक प्रयास कर रही है, 57 साल एक खंडहर को ठीक करने में समय तो लगेगा।